कोविड-19 हॉस्पिटल मुरादाबाद से शनिवार को भी सुकून देने वाली खबर मिली है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार को हॉस्पिटल से 17 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। दो बार लगातार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आज 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की छुट्टी हो गई है। इसमें 3 मुरादाबाद से हैं जबकि 1 अमरोहा से है। हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लाइनपार मंजुला निवासी 18 वर्षीय दीप्ति सिंह, 30 वर्षीय शोभा शर्मा अड़तला मुरादाबाद निवासी हैं, जबकि 29 वर्षीय शमशाद आलम बागड़पुर पागवाड़ा का रहने वाला है। चौथी मरीज अमरोहा की 70 साल की बुजुर्ग अफसरी भी आज डिस्चार्ज हुई हैं। पीएमयू हॉस्पिटल के नोडल अधिकारी डॉक्टर वी के सिंह ने बताया कि मरीजों की हौसला अफजाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, सीनियर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम ने ताली बजाकर और बुके देकर उन्हें विदाई दी। पीएमयू हॉस्पिटल में उपलब्ध बेहतर इलाज और पौष्टिक आहार के चलते ये सभी मरीज निगेटिव हुए हैं। पीएमयू हॉस्पिटल से अब तक 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। पीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन और ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन ने कोविड-19 पीड़ित मरीजों की सेवा में तैनात कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मेडिकल टीम के संयम, समर्पण और संकल्प पर हमें गर्व है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नजमुल हुदा, नोडल ऑफिसर तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज की स्थिति से आपको अवगत कराऊं तो आज हमारे यहाँ इस समय 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं और 4 सस्पेक्ट यानी कि कोरोना संदिग्ध। आज की अच्छी खबर ये है कि हमने 4 मरीजों को आज बिल्कुल स्वस्थ रूप में डिस्चार्ज किया है, जिसमें से 1 अमरोहा ज़िले का है और बाकी मुरादाबाद। कल से अब तक में केवल 1 पॉजिटिव मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुआ है। इस माध्यम से मैं ये भी कहना बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने TMU हॉस्पिटल के प्रशासन और जो मानसिक रोग विभाग साइकैट्री डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने आज से मरीजों की काउंसलिंग के सेशन भी शुरू किए हैं। बल्कि जो डॉक्टर हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी और जो डॉक्टर्स क्वारंटीन में जाते हैं, जो ड्यूटी करके क्वारंटीन में जाते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के सेशंस शुरू कर दिए हैं। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि मरीज एक जब कोरोना बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसको सबसे अपने रिश्तेदारों से, अपने घर से दूर रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी उस पर एक मानसिक असर भी छोड़ती है, तो उसके दुष्परिणाम ना हो इस वजह से हमने ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शुरू करी। और जो हमारे डॉक्टर्स क्वारंटीन में जाते हैं उन्हें भी कम से कम 14 दिन के लिए अपने परिवार वालों से दूर रहना होता है, अपने घर से दूर रहना होता है और बिल्कुल अकेले कमरे में रहना होता है। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव या तनाव पैदा होता है, उन सब तनाव से बचने के लिए हम लोगों ने ये सेशन आज से TMU हॉस्पिटल में शुरू किया।